नमस्कार, आपण पाहत आहात परभणी न्यूज. मी राहुल गायकवाड आजच्या या बातमीपत्रात आपलं स्वागत करतो. पाहूया शहरातील ठळक घडामोडी. मिशन बिगिन अंतर्गत शहरातील रेस्टॉरंट हॉटेल चालू करण्यास परवानगी देण्यात यावी, मात्र हा व्यवसाय सायंकाळी होत असतो व जेवणाची वेळ सायंकाळी 7 नंतर तर 10 वाजेपर्यंत असते, त्यामुळे या हॉटेलांची वेळ रात्री 10 वाजेपर्यंत वाढवून द्यावी अशी मागणी शहरातल्या हॉटेल चालकांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. एसोसिएशन की तरफ से आज माननीय कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया है, जिसमें होटल एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया है कि होटल एसोसिएशन को है तो कम से कम 2 से 3 घंटे बाकी मार्केट से ज़्यादा टाइम दिया जाए, क्योंकि हम लोगों का जो मार्केट कस्टमर चालू होता है वो कस्टमर चालू होता है 7 बजे के बाद, 7 से 10 का कस्टमर हमारा होता है ज़्यादातर, लेकिन हमको जो है 7 बजे सभी मार्केट के साथ बंद किया जा रहा है और 7 महीने के बाद 6 महीने के बाद आज हमको खोलने की परमिशन मिली है, वो भी 50% के हिसाब से ही खोलने को मिला है, जिसमें हम लोगों का जो है तो 7 बजे तक कस्टमर का वर्कर का खर्चा, होटल का मेंटेनेंस ये नहीं निकल पाता है. तो हमारी डॉक्टर माननीय कलेक्टर साहब से एक निवेदन है कि हमको है तो कम से कम मार्केट से 2 घंटे ज़्यादा टाइम दिया जाए, उसमें है तो हमारा खर्चा पानी और जो 7 महीने से हम लोग खाली बैठे हैं उसमें कुछ ना कुछ हमारा निकलेगा. धन्यवाद. का जो है सबसे ज़्यादा इसमें होटल कामगार लोग, जो पूरे परभणी रेस्टोरेंट्स में जितने होटल कामगार करने वाले लोग हैं वो पूरे उपाशी मरने का टाइम आ चुका है, क्योंकि उनको भी है तो ज़्यादा काम नहीं मिल रहा है, वो भी 4-5-6 घंटे काम कर रहे हैं. जब पूरा रेस्टोरेंट चालू होगा, पूरा टाइम चालू रहेगा, तो होटल कामगारों को भी पगार बराबर मिलेगी और वो भी सही चलेगा. 5 तारखेपासून रेस्टॉरंट और फास्ट फूडला परमिशन दिलेली आहे उघडण्याची. त्याचं टायमिंगबद्दल आम्हाला त्रास होत आहे, कारण की संध्याकाळी 7 बंद करायचं आहे, कारण का रेस्टॉरंट आणि फास्ट फूडचा जे व्यवसाय आहे ते 7 पुढे चालतो, तोपर्यंत दिवसभरात आमचा खर्चही निघत नाही, आमच्या कामगारांचे पगारसुद्धा निघत नाही, ज्यांच्या हॉटेल किरायचे आहेत त्यांचा किराया निघत नाही, तर आम्ही व्यवसाय कसा करायचा? हे आमचं निवेदन कलेक्टर साहेबांना होतं. आम्हाला टायमिंग वाढवून द्यावी त्यांनी, तरच आम्हाला व्यवसाय करण्यात थोडंफार खर्च निघेल, नाही तर आमचं काहीच होणार नाही. अर्ध वर्ष निघून गेलेलं आमचं, तसंही पूर्ण वर्षही निघून जाते.